नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मां दुर्गा की भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा में डीजे व बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते भक्तों की भारी भीड़ के साथ बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी भक्ति देवी गीतों पर थिरकते व मां के जयकारों पर नाचते झूमते हुए मां की अंतिम विदाई में शामिल थी। परंपरागत रूप से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अलियाबाद कस्बा व चौराहे पर सभी प्रतिमाएं इकट्ठा हुई, जो अहिल्याबाद चौराहा होते हुए डिग्घी धाम सरोवर जा पहुंची। वहीं रास्ते में श्रद्धा और चरमोत्कर्ष के साथ मां के सभी भक्त उल्लास पूर्वक जय माता दी के गगनभेदी जयकारों के बीच नम आंखों से मां दुर्गा को अंतिम बधाई देने जा रहे थे। शाम करीब 5 बजे तक क्षेत्र के दर्जनों गांव की मां दुर्गा की प्रतिमाएं अलियाबाद चौराहे पर इकट्ठा हुई, जिसमें अलियाबाद कस्बा, गुलचप्पा कला, बहरोली, खेदियापुर, पालपुर, बरहुआ, दरोली, बबुआपुर, समस्तीपुर इत्यादि गांव के मां के भक्तों का भारी हुजूम उमड़ा था। डिग्घी धाम सरोवर का महाभारत काल से जुड़ा एक धार्मिक महत्व बताया जाता है। यहां पर पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान रुककर कई वर्षों तक तपस्या की थी। वह सरोवर में नित्य स्नान कर अपने आराध्या देव की पूजा अर्चना करते थे। आज भी कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दूर दराज से लोग स्नान करने आते हैं व प्रतिवर्ष देव दीपावली पर्व के सर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा के दौरान पुलिस भी मां के भक्तों के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगी रही व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए थे। रास्ते में मां के भक्तों ने जगह जगह प्रसाद के स्टॉल लगाए थे, जिसमें श्रद्धालुओं को हलवा, बूंदी, पूड़ी, सब्जी, खीर इत्यादि खिलाकर जलपान कराया गया और भक्तों ने मां की अंतिम शोभा यात्रा को गतिमान बनाए रखा। आज सर्वप्रथम डिग्घी धाम सरोवर पर गायत्री नगर पटरंगा की मां दुर्गा समिति का विसर्जन करीब 1 बजे से प्रारंभ हुआ। यह सिलसिला शाम करीब 8 बजे तक चला। इस दौरान मौके पर दरियाबाद कोतवाली अभिमन्यु, अलियाबाद चौकी प्रभारी अवधेश कुमार, सिपाही मार्गने यादव, सिपाही राहुल कुमार, सिपाही राजकिशोर यादव, हल्का लेखपाल व बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।